मांग कर दी है पंजाब सरकार तो कि गगन मान के उत्ते परचा दर्ज करके उसनु जेल दी सलाखां दे पिछे सिटिया जाए। उस कैटागरी आए हो जो गाउण वाले होंगे ने भंड होंगे ने थोड़ी सारी पार्टी मैं कहूंगा भंडा की है। औरत को पैर की जुत्ती समझा जाता सी, औरत चाहे जनरल समाज की हो चाहे एससी समाज की हो पैर की जुत्ती समझा जाती। गायिका अनमोल गगन मान दे वल्लों संविधान प्रति दित्ते विवादिक बयान तो बाद सियासत करवाउणी शुरू हो गई है। इस नूं लै के अकाली दल अते बसपा वल्लों अमृतसर विखे रोस प्रदर्शन किया गया। हलका दक्खणी दे श्रोमणी अकाली दल बसपा दे आगुआं अते वर्करां दे वल्लों हलका इंचार्ज तलवीर सिंह गिल दी अगवाई दे हेठ सुल्तान बिन गेट विखे जोरदार रोस प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी दी नेता अनमोल गगन मान दा पुतला साड़िया गया। इस मौके विशाल इकट्ठ दौरान संबोधन करदियां तलवीर सिंह गिल ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर दे वल्लों लिखे भारत दे संविधान दे खिलाफ आप दी नेता वल्लों अपशब्द बोले जान कारण अकाली बसपा गठजोड़ दे आगुआं ते वर्करां सने समूह देशवासी भारी रोस है। गिल ने कहा कि लोकां दीआं भावनावां भड़काउण दे मामले दे विच पंजाब पुलिस नूं तुरंत अनमोल गगन मान खिलाफ परचा दर्ज करना चाहीदा है। जो आम आदमी पार्टी दे नुमाइंदे ने उन्हां दा पुतला फूकिया, बहुजन समाज पार्टी वल्लों दित्ते प्रोग्राम तहत अज समुची श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की टीम ने जो बीबा गगन मान ने उन्होंने साडे भारत के संविधान के खिलाफ भद्दी शब्दावली बोली आ। असी दस देना चाहते हैं बीबा जी नूं कि जिहड़े भीम राव अंबेदकर सी जिन्होंने संविधान रचिया देश का वह 32 डिग्रियां प्राप्त सी। तुसीं मैनूं लगता एक अद्धी डिग्री भी तुहाडे कोले नहीं होने, अजकल दसवीं या प्लस टू पास ही है जिहड़ा सिंगर बन जांदा। तुसीं उस कैटागरी विचों आए हो जो गाउण वाले होंगे ने भंड होंगे ने थोड़ी सारी पार्टी मैं तो कहूँगा भंडा की आ, तुहाडा प्रधान भी भंड आ। तुसीं बेतुकियां टिप्पणियां जिहड़ियां करदे रहे आ, असीं इस संबंध दे विच अज असीं केजरीवाल साहब का ते बीबा गगन मान का जिहड़ा पुतला फूकिया तां जो इन्हां नूं सुरत होनी चाहीदी आ, इन्हां नूं सिख लैणा चाहीदा कि जिहड़ा साडा देश का भीषम पितामा डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी ने वह बहुत पढ़े लिखे सूझवान थे जिन्होंने बीबियां साडियां भैणां नूं पहल दे विच रख के भी जिहड़ा कीता सी। अज उन्हां दी उच्ची सुची सोच दे सदके ही तुसीं लीडर बने हुए हो, उन्हां दे संविधान दे जिहड़ा लेडी नूं आ दिता होया, उन्हां दे संविधान दे तहत ही दिता होया। इसे कारण ही असीं अज असीं उन्हां दा विरोध कर बाबा साहिब भीम राव अंबेडकर दे संविधान प्रति 32 जन टिप्पणी वरती हैगी, असीं उन्हां दा विरोध कर रहे हैंगे। असीं बीबा जी नूं कहना चाहुंदे हैंगे भी बीबा जी जे अज तुसीं खड़ के बोल रहे हो तो बाबा साहिब भीम राव अंबेडकर की बदौलत बोल रहे हो, जे अज सुन पढ़ने का अधिकार मिले तो बाबा साहिब भीम राव अंबेडकर की बदौलत मिले, जे अज तुसीं MLA की चोण लड़न जा रहे हो तो भी बाबा साहिब भीम राव अंबेडकर की बदौलत लड़न जा रहे हो। औरत नूं पैर की जुत्ती समझा जाता सी, औरत चाहे जनरल समाज की होवे चाहे SC समाज की होवे पैर की जुत्ती समझा जाती सी। जे सिर का ताज बनाया तो बाबा साहिब भीम राव अंबेडकर ने बनाया। बीबा जी ने यह सोच लेना चाहिए भी मैं किदे खिलाफ़ बोल रही हाँ, वो बाबा साहब जिन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त कीतियां, वो बाबा साहब जिन्होंने 9 भाषावां का ज्ञान प्राप्त किया, वो बाबा साहब जिन्होंने अपने बच्चों की कुरबानी दे के संविधान की रचना की, उन्होंने अपने 3 पुत ते 1 धी की कुरबानी दे के 216 दिनों के संविधान की रचना की, जिहड़ा इस देश के ढांचे नूं आपस में बनता है तो सारे कानून उस संविधान के तहत ही चल रहे हैं। मैं बीबा जी दसना चाहना गा बीबा जी तुसी तां उन्नियां किताबां मेरे ख्याल है भी देखिया भी नहीं होनी जिन्नियां बाबा साहब ने पढ़िया ने, भी जेड़ा भी बयान देना चाहिए वह सोच समझ के देना चाहिए। ये जिहड़ी आम आदमी पार्टी है दिनों दिन कोई ना कोई यह जिहा बयान जारी करती रहती है, यह जे कोई ना कोई पिछे जे केजरीवाल जी ने एक पटीशन पाई आ कहिंदे भी जिहड़े पंजाब दे विच थर्मल प्लांट लगे हुए ने उन्होंने बंद किया जाए, दिल्ली दे विच धुआं आउंदा गा, पंजाब दे विच तां ओह धुआं लगता नहीं साढ़े पंजाब दे उत्तों दी निकल के दिल्ली दे विच वग जाता गा, तो कहिंदे भी पंजाब दे इन्हां थर्मल प्लांटां नूं बंद किया जाए, तो जे थर्मल प्लांट बंद हो गए तो किसानां दीआं फसलां तां अज ही तबाह हो रही ने, फिर उन्हां दा की हाल होगा। अज केजरीवाल बयान दे रहा मैं 301 जुंट
फ्री करूँगा भी जो बिजली नहीं पैदा होगी तो केजरीवाल तो जोटा वो फ्री कितों देगा। यह पंजाब के प्रति उन्हों की एक चाल हैगी चाहते ही नहीं है। जे पंजाब चाहते हो सोच समझ के बयान देन। ये सारा कुछ केजरीवाल साहब पंजाब दे हितों ध्यान च रख के नहीं बोलते, पंजाब के खिलाफ ही बोलते हैं। कदे पानी का मुद्दा कदे बिजली का मुद्दा तो सारे पंजाब के खिलाफ ने। वह फसल जलाई जाने ने पंजाब दे विच जाके प्रदूषण फैलता गया दिल्ली दे विच। ये सोचने वाली गल है। इन गलत कहना खेमा दा जा चुका जय भीम जय। जिहड़ा गगन अनमोल मान है आम आदमी पार्टी की लीडर है उहदे वल्लों संविधान बारे बहुत गलत टिप्पणियां कीतियां गईयां। मैं उन्हूं पुछना चाहना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान जिहड़ा लिखिया सी यह कई मुल्कां दा दौरा करके हिंदुस्तान दीआं परिस्थितियां नूं देखदे होए जातां गोतां नूं देखदे होए धर्मां नूं देखदे होए ये जिहड़ा संविधान की सिरजना की सी उन्होंने पता नहीं किन्ने महीने तपस्या करके ये संविधान की सिरजना की सी। अज अगर उस संविधान के उत्ते इस औरत ने उंगल चक्की आ तो यदा मतलब इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उंगली चक्की आ। और असी समुचे लीडर समुचे वर्कर अकाली दल अते BJP दे असी उन्हां तों मंग करदे आ पंजाब सरकार तों कि गगन मान के उत्ते परचा दर्ज करके उसनूं जेल दीआं सलाखां दे पिछे सिट्टिया जाए। नहीं तो BJP और श्रोमणी अकाली दल बड़े कोल लीकण लई मजबूर होवेगा। और अगर इन्होंने गगन मान नूं ढुकवीं सज़ा नहीं दित्ती तां असी उसका बरनाले आउण दे उत्ते विरोध करांगे, उहनूं बरनाले दे विच नहीं वड़न देवांगे। ਨਮੋਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆਈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ जो गल की है। और अज 117 विधानसभा के उठले साड़े जा रहे हैं साढ़े जसबीर सिंह गढ़ी जी और सामने अकाली दल के बादल साहब सारी जगह दे श्रोमणी कमेटी जी इकट्ठी हो गए उठले साड़ रहे हैं। असं मंग करते हैं कि जरा केजरीवाल बाहर पार्टी को बाहर कले और पंजाब सरकार को मंग करते हैं कि ये खिलाफ़ जोड़ा परचा दर्ज करे। अगर जो परचा दर्ज नहीं होंगे तो संघर्ष जोड़ा बहुत तेज होएगा। इनू सरकार और दिल्ली वाली सरकार समझना पड़ेगा। जय भीम जय भारत वाहे।